राजस्थान का उदयपुर घूमने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। राज रजवाड़ों से भरा हुआ, अगर किसी को रजवाड़े पसंद हो तो यहाँ से बेहतर जगह नहीं। इसके साथ ही ये जगह एक और जगह के लिए बहुत फेमस है, वो है डेस्टिनेशन वेडिंग। जी हाँ, बड़े से बड़े सितारे भी उदयपुर को शादियों के लिए चुनते हैं। लेकिन क्या हो जब वो ही उदयपुर डरा रहा हो, जब वहाँ जाने से पहले सोचना पड़े। ये घटना है 12 जून की, जब एक वीडियो सामने आया जो बेहद डराने वाला था। वीडियो उदयपुर का है, जिसमें एक युवक दिख रहा है जिससे चाकू की नोक पर कुछ गुंडे सामान छीन रहे हैं। युवक कार से है और पीछे से एक लड़की की भी आवाज आ रही है जो वीडियो भी बना रही है। वीडियो देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये युवक युवती साथ में कार से कहीं घूमने आए थे, जहां कुछ लोगों ने इन्हें घेरकर चाकू की नोक पर सारा सामान लूट लिया, गाड़ी की चाबी तक छीन ली। लड़की पीछे से चिल्ला रही है कि गाड़ी की चाबी तो दे दो, लेकिन लूटपाट करके ये बदमाश बाइक से फरार हो जाते हैं। वीडियो में दो बाइक पर 5 से 6 लोग दिख रहे हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। ये वीडियो डरा रहा है क्योंकि लोग ये देखकर घूमने जाने में हिचकने लगेंगे कि ना जाने कहां क्या हादसा हो जाए। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद उदयपुर पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपियों को पकड़ लिया। उदयपुर पुलिस ने ट्वीट किया, इस मामले में अंबा माता में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को तुरंत पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई, 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है। बड़ी झील के बाद एक अलग चेक पोस्ट बना दी गई है और लेडी पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाने का काम चल रहा है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में 5 जून को हनुमानगढ़ में एक विवाद में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये विवाद कथित तौर पर अंबेडकर का बैनर फाड़ने से शुरू हुआ था और अब उदयपुर की ये घटना सामने आई है, जिससे कहीं ना कहीं अब राजस्थान सरकार निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।